और क्योंकि संजीव आपको मैं देख पा रही हूं कि आप दिल्ली में ही नीतीश कुमार के दफ्तर के बाहर आज खड़े हैं, और क्योंकि आज बहुत अहम दिन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जेडीयू की बैठक आज होने जा रही है, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं ऐसी खबरें भी आ रही हैं, तो जरा बताइए कि सोरेन की को जमानत मिलने के बाद और जिस तरह से केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद बाहर आते आते वो रह गए, और यहां पर राजनीतिक हलचल भी खूब तेज बिहार की राजनीति में दिखी रही है, जहां पर बीजेपी का जो एक वर्ग है, राज्य इकाई का जो एक वर्ग है, वो ये कह रहा है कि भाई भाजपा को अपने नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में आज ये बैठक जेडीयू की कितनी महत्वपूर्ण दिख रही है? सबसे पहले तो आपको यहाँ जो खबर घटित हो सकती है उसके बारे में बता देते हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जनता दल यूनाइटेड, उसकी बैठक है आज यहाँ पर 29 जून, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही ये बैठक हो रही है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आपको नीतीश कुमार दिखाई पड़ेंगे अपने तमाम सहयोगियों के साथ। अब यहाँ पर जो चर्चा आज सबसे बड़ी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, आप जानती हैं कि जो भी मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, हालात होते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है, आगे की रणनीति रूपरेखा तैयार होती है। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से अब तक हम तक पहुंची है, वो ये है कि अभी तो मुख्यमंत्री भी हैं नीतीश कुमार और अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, लेकिन कुछ बदलाव की खबर है, और वो बदलाव ये है कि मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों की जो जिम्मेदारी है वो ज़रा ज़्यादा है। ऐसे में जबकि अब दिल्ली में भी कोऑर्डिनेट करना है, यहाँ केंद्र सरकार में भी पार्टी हिस्सेदारी रखती है, और यहाँ पर भी लोग चाहिए जो कि यहाँ के सत्ताधारियों से बात कर सकें, हमेशा संपर्क में रह सकें, तो सोचा ये जा रहा है कि एक कार्यकारी अध्यक्ष होना चाहिए, वर्किंग प्रेसिडेंट होना चाहिए, और ये जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ा फैसला होगा अगर ऐसा होता है तो। वर्किंग प्रेसिडेंट को लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कोऑर्डिनेट करने के लिए चाहिए और जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं नीतीश कुमार पर, इसके लिए देख रहे हैं, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि जो उनकी हाल के दिनों में तबीयत रही है वो बहुत ज़्यादा मददगार नहीं रही है, और ऐसे में समय समय पर जो डॉक्टरी परीक्षण के लिए जाना पड़ता है नीतीश कुमार, वो जनता दल यूनाइटेड के लोगों के लिए चिंता का सबब है। और क्या पहले जैसे हैं नीतीश कुमार, इस उहापोह के बीच में एक वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया जा सकता है? सबसे आगे नाम जो चल रहा है वो संजय झा का है, संजय झा जो कि बहुत ही निकट के सहयोगी है नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार ने उन्हें अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए भेजा है, वो यहाँ पर राज्यसभा में जो संसदीय दल है उसके नेता भी हैं। अब देखते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में किस तरह से ये खबर भी प्ले आउट होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि न केवल झारखंड में बल्कि शिबू सोरेन की रिहाई से आप जानती हैं बगल के बिहार में, और उसके अलावा ख़ास तौर पर जो दो और राज्य हैं जहां पर अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होने हैं, झारखंड और हरियाणा महाराष्ट्र, ये तीनों राज्यों में एक गजब ऊर्जा कल से आई है। मैं संसद में था और मैं बात कर रहा था उन नेताओं से जो कि इन राज्यों से आते हैं, उनका ये कहना था कि देखिए ये लोकसभा की जो जीत है उसमें ख़ास तौर पर एक मोमेंटम बन गया है, और इस तरह की जो गतिविधियां हैं जैसे कि रिहाई होती है और बेल पे बाहर आ जाते हैं हेमंत सोरेन रेगुलर बेल पर, थोड़े दिनों में अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे, तो ये ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि केंद्र अपने आप में वैसी ताकतों के बिल्कुल खिलाफ है जो राज्यों में सरकारें चलाती हैं, जिन्हें राज्यों में लोग वहाँ के चुनते हैं, और यह हमारा सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा। इसी टॉकिंग पॉइंट को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे, और सबसे बड़ी उत्साह की बात इनके लिए ये है पूजा कि दरअसल इस बार जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उसमें देखा ये गया है कि अगर विधानसभा वार आप क्रम देखें तो 144 बहुमत की ज़रूरत है, महाराष्ट्र में 288 कुल सीटें हैं, तो 144 से ज़्यादा 155 के आसपास सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीती है। वही हरियाणा में भी कुछ उसी तरह की स्थिति है, 90 सीटें हैं वहाँ पर, 45 से ज़्यादा जीतकर कांग्रेस आ गई है अगर असेंबली वार देखें तो, और झारखंड में पहली दफ़ा ऐसा हुआ पिछले 10 सालों में, देखिए वहाँ पर 5 सीटें मिली है कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन को, कांग्रेस को 3 और कांग्रेस को 2 और जेएमएम को 3, तो जहाँ पर एक भी सीट नहीं थी वहाँ 5 सीटें मिल जाना बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो आदिवासी सीटें हैं वही मिली हैं, यानी कि जो वहाँ की आबादी है
आदिवासियों की, और वो 27-28% कही जाती है, उनके अंदर एक संदेश है कि हमारे आदिवासी नायक को पकड़ा गया था और उसका असर अगर यहाँ दिखा है तो जाहिर आने वाले दिनों में विधानसभा में भी दिख सकता है। अगर मान लीजिए कि ये तीनों राज्य जो है इतने कीनली कंटेस्टेड है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ से जाते हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इसके दूरगामी परिणाम लोग कहते हैं कि होंगे। केंद्र में इसका परिणाम हो सकता है, एक असहज स्थिति केंद्र सरकार लिए पैदा हो सकती है। वो कैसी स्थिति होगी इसकी कल्पना अभी करना जरा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का कहना है कि ये तीनों राज्यों के चुनाव जीतना बहुत जरूरी है।